अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं जैनुल सिद्दीकी आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँ। इस वीडियो में आपको मिरर 24x30 दो कोने राउंड रहेंगे और फ्रेम एल्युमिनियम फ्रेम जो चल रहा है रोज गोल्ड का चारों साइड, तो उस वर्क में हम आपको ये एलईडी मिरर बनाकर दिखाएंगे। और अब वीडियो आखिर तक देखें, आपको किस तरीके का हमें किस तरीके से हमें लाइट लगानी है और किस तरीके से फ्रेम लगाना है वो आपको पता चल जाएगा। और गाइज, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो करें लाइक अगर अच्छी लगे तो, और वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों में ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर इस मिरर को बनाना सीख जाए। तो गाइज, हमने ये मिरर कटिंग कर लिया था और ये कोने गोल इसके कर लेंगे। फ्रेम के हिसाब से आपको पहले फ्रेम बना लेना है जो रोज गोल्ड का, जो हमारा चारों साइड इस टाइम जो फ्रेम चल रहा है वीडियो में दिखेगा आपको, तो उस फ्रेम को बना लेना है पहले, फिर बाद को उसका साइज निकाल कर आपको गिलास कटिंग करना है। ऐसे नहीं करना कि आप पहले गिलास कटिंग नहीं करना है और फ्रेम के बाद गिलास कटिंग करके अच्छी तरीके से ये एमरी से हम गिलेंडर से ये अच्छी तरीके से कोने गोल कर लेंगे। फिर इस पे हम पट्टा मशीन पे इसे धार पुलिस भी करेंगे, अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। ये एमरी है, गिलेंडर में हमने एमरी लगा रखी है, ठीक है गाइज। और ये पट्टा मशीन है, और गाइज आपको बता देता हूँ, अगर ये पट्टा मशीन चाहिए तो वो हमारे पास अवेलेबल है, और ये पट्टे भी चाहिए तो अवेलेबल है, और हैंड पुलिस भी मशीन हमारे पास अवेलेबल है। उसकी वो चाहिए तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वीडियो को शुरू में और आखिर में हमारा कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाता है, ठीक है। और हमारा ये 5mm मिरर गिलास है, तो वीडियो आखिर तक देखें। अगर काट काट के वीडियो देखेंगे तो ये मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि वीडियो काट काट कर नहीं देखना, अगर देखेंगे तो आपको कनेक्शन किस तरीके से हमें सेंसर में कनेक्शन करने हैं और किस तरीके से ये हमें बनाना है तो आपको नहीं पता चलता, और आप मुझे फोन करते हैं तो भाई मैं फोन पे नहीं बता पाता इतना, ठीक है। आप वीडियो में देखेंगे, वीडियो में सब कुछ मैं आपको बाई स्टेप टू स्टेप बता देता हूँ। और वो जो हमने अभी प्रोटेक्शन रोल लगाया है, प्रोटेक्शन रोल इसलिए लगाते हैं गाइज जैसे हम काम करते हैं कोई भी स्क्रेच विस्क्रेच नहीं आए, तो वो भी आप प्रोटेक्शन रोल लगा कर काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। ये हमारा P2 पिलोटर का स्टिकर है, पिलोटर का स्टिकर जो हमारा बच जाता है तो हम इसमें गिलास में यूज कर लेंगे। आप भी इसी तरीके से करें कि अगर जो आप भी पट्टा बच जाए तो आप उसे गिलास में यूज कर लेना, ठीक है। इसके दो साइड डिजाइन है, दोनों साइड में डिजाइन है। और गाइज पिलोटर के लिए जो आपको ये स्टिकर चाहिए वो P2 का ही स्टिकर यूज करें, और पिलोटर आपको चाहिए तो हमारे पास अवेलेबल है। हर वीडियो में मैं बताता हूँ, हमारे पास पिलोटर भी और CDR फाइल है, उसके डिजाइन जो रहते हैं वो भी अवेलेबल मिल जाते हैं। सेंसर, एडेप्टर, LED और ये चीजें, बहुत चीजें हमारे पास, डिजिटल हाईलाइटर भी अवेलेबल है, वो भी हमारे पास मिल जाते हैं। ये चारों साइड हमने स्टिकर लगा लिया है इस पे। कट कर लेंगे, और इस पे निशान कर लेंगे चारों साइड, जहां जहां हमें डिजाइन करना है निशान करके वहां से हम कटिंग करेंगे। गाइज ये चैनल पे मेरे पहली वीडियो है एलईडी वर्क में, तो कई वीडियो आती रहती है मेरी, डिजाइन चेंज होता है मगर वीडियो एलईडी वर्क में आती रहती है। और फिर भी गाइज ऐसा होता है कि इतनी वीडियो आने के बावजूद भी कोई भाई बोलता है कि भाई ये वीडियो हमने देख ली दूसरा ले का हो, तो इतनी वीडियो आने के बाद भी भाई आपको बताऊं, मेरे पास फोन करते हैं भाई हमें मिरर का कनेक्शन कैसे करना है, सेंसर कनेक्शन कैसे करना है। हर वीडियो में आपको कनेक्शन दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमें कनेक्शन करना है, फिर भी आप कनेक्शन के बारे में मालूम करते हैं तो मैं आपको समझ जाता हूँ कि भाई ने इसने वीडियो पूरी नहीं देखी, क्योंकि हर वीडियो में आपको कनेक्शन बताता हूँ कि भाई किस तरीके से हमें कनेक्शन करना है। तो आपसे यही राय है कि आप वीडियो आखिर तक देखें, क्योंकि आप फिल्म देखते हैं कोई भी चीज़ देखते हैं तो उससे भी आखिर तक देखते हैं। ये काम की वीडियो है थोड़ा बहुत, तो एक बार इसे भी ध्यान से और आखिर तक वीडियो देखें, ठीक है। आपको फिर मुझसे मालूम करने की ज़रूरत नहीं होगी किस तरीके से हमें ये मिरर बनाना है।
इस वीडियो में मैंने स्टेप टू स्टेप बताया है कि किस तरीके से हमें कनेक्शन करना है, किस तरीके से डिज़ाइन करना है और क्या क्या इस चीज़ हमें वर्क करना है। तो आपको कोई भी चीज़ मुझे फ़ोन करने के मालूम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हमने देखिए डिज़ाइन चारों तरफ कटिंग कर लिया और यहाँ पर लगाएंगे बटन, जिस जहाँ से टच करते हैं उसका बटन लगा लिया है। ठीक है, वो किस तरीके से है तो आप देख के, और मैं कुछ बता भी रहा हूँ आपको, और देख भी लें तो आपको पता चल जाएगा। इसी तरीके से आप भी बनाएं तो आपको आसानी होगी मिरर बनाने में, लाइटिंग वाले। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं इस टाइम मिरर का ही चल रहा है काम, तो मैं वीडियो भी इसके ऊपर ही ला रहा हूँ क्योंकि कोई भी भाई परेशान ना हो, तो धीरे धीरे इसके ऊपर ही वीडियो ला रहा हूँ मैं। ठीक है, ये देखिए हमारा फ्रोस्टिंग, सन ब्लास्टिंग यानी रेती, जो हम बोलते हैं तीन भाषा में बोला जाता है ये, तो ये बालू रेत, आप बालू रेत कर सकते हैं। ये यहाँ पे तो सूरत और मुंबई में रेडीमेड रेती फ्रोस्टिंग आती है ये रेत, तो आप अगर आपको ये रेत नहीं हो तो बालू रेत नमक की बराबर मोटी रेत ले सकते हैं। इस तरीके से केबल बना लें और एग्जॉस्ट फैन भी लगा रखा है। और गाइज इसके लिए फ्रोस्टिंग करने के लिए कंप्रेसर कौन सा चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कंप्रेसर 5 HP का हो या 7, 7.5 HP या 10 HP, ज़्यादातर 5 HP या 7.5 HP का ले तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी और आपके अच्छे तरीके से काम होगा। ठीक है, हमारी फ्रोस्टिंग हो चुकी है, सन ब्लास्टिंग, तो अब इसे हम स्टिकर को छुटा लेंगे। ये स्टिकर छुटा देंगे, अच्छी तरीके से साफ कर लेंगे इसे, गिलास को हम इसे बिल्कुल साफ करके। और गाइज ये है देखिए LED 120 बल्ब, और ये एडप्टर है, और ये एक सेंसर आएगा इसके में। ठीक है, सेंसर भी और LED इसके अंदर। गाइज हमने जो सेंसर, LED और ये एडप्टर जो लगाए हैं ओरिजिनल लगाए हैं, क्योंकि गिलास ये मिरर जो है महंगा मिरर रहता है इस मार्केट में, जो बहुत इसके ज़्यादा रेट चल रहे हैं, तो इसकी वजह से इसमें तीनों चीज़ें ओरिजिनल हैं। ठीक है गाइज, हर चीज़ हमारे LED जो लगाते हैं यही वाली बेचते हैं ज़्यादातर, और एडप्टर भी। ये देखिए ये फ्रेम है इसका। ठीक है गाइस, और ये बाज़ार में आपने इस तरीके के फ्रेम जो मिरर चल रहे हैं आजकल नए, तो वो आपने देखे होंगे। ठीक है, हमने गाइस मिरर इसमें बिठा लिया था और उसकी वीडियो नहीं बना पाया था मैं, तो आपको जब बनाएंगे तो आप बिठा सकेंगे, उसमें कुछ वो नहीं है। और यहाँ पे सिलिकॉन हल्का मार देना, क्योंकि अपना मिरर हिलने का नहीं है, वो अच्छे तरीके से पेस्ट हो जाएगा उसमें। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे जो बटन लग रहे हैं, यहाँ पे खोल के और मिरर को बिठा देना है। ठीक है भाई, ये देखिए दो कोनों पे जो राउंड वाले कोने हैं वहाँ पर डिज़ाइन है। और गाइज ये जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन से 1 इंच छोड़कर हमें ये पट्टी लगानी है, 1 इंच की, 1 इंच की पट्टी लगानी है चारों साइड। इसके ऊपर डबल, ये डबल लाइटिंग में जो हमारा ये मिरर बनेगा, डबल लाइटिंग में बनेगा, डबल लाइटिंग का कहा जाता है। और इसमें 3 लाइट दिखाई देती है, इसमें एक LED लगेगी वाइट, एक लगेगी वॉर्म। तो आप एक बार टच करेंगे तो एक लाइट चलेगी वाइट, फिर दोबारा टच करेंगे तो दूसरी लाइट चलेगी वॉर्म, और तिवारी टच करेंगे दोनों एक साथ जलेंगी। तो इस तरीके से दोनों एक साथ जलेंगे तो वो तीसरा कलर बन जाता है, तो इस वजह से ये 3 कलर का कहलाया जाता है। और सेंसर 2 लाइटिंग, डबल लाइटिंग के नाम से आता है। ठीक है, ये देखिए 1 इंची की पट्टी हम चारों साइड, 1 इंची जो बॉर्डर जहाँ से हमारा डिज़ाइन है 1 इंची वहाँ से छोड़ के अच्छे तरीके से फेविकिक से चिपका लेंगे। फेविकिक आप कोई सी भी ले सकते हैं, अच्छी क्वालिटी कंपनी की हो। ठीक है, अच्छी कंपनी की फेविकिक होनी चाहिए, तो उससे आपका ये चिपकने में अच्छा रहेगा। और ये जो हम चिपका रहे हैं इस पर PVC चिपका रहे हैं, 5 mm PVC। ठीक है गाइस, 5 mm PVC। ये पूरा फ्रेम बना दिया है हमने, अब इस पर हम LED लगाएंगे, किस तरीके से वो वीडियो आखिर तक देखें। ये देखिए गाइस, ये क्लैंप है पीछे जो हम जिस तरीके से लटकाएंगे, मतलब साइड पे जाके ये लगेगा, तो यहाँ पे क्लैंप लगेंगे। तो क्लैंप को आप जाके हार्डवेयर किसी पे भी, जिस तरीके का क्लैंप है देखिए इस तरीके का, आप जो अब देखेंगे ये देखिए पीछे से पट्टी लगा लेंगे, इसके लिए आप मजबूती रहती है, ये क्लैंप ले सकते हैं और ये स्क्रू ले लेना दो। और गाइज ये देखिए जहाँ पर लगाएंगे एक पट्टी लगा लेना वहाँ पे, क्योंकि ये PVC थोड़ी मजबूत हो जाती है, डबल होती है, डबल से मजबूत हो जाती है, ये भी ध्यान रखना आप। 2 या 3.5 इंच की PVC लगा लेना उसे। ठीक है, एक इस तरह इस साइड में लग जाएगा, इस साइड में। और गाइज अब ये देखिए LED का हम करेंगे इसमें कनेक्शन। गाइज
वीडियो में आपने शुरू से आखिर तक देखा और इस कनेक्शन में आपको मैं बताता भी रहूंगा और आपको भी ध्यान से देखना है, ठीक है, आपको ध्यान से देखना है, आगे काट काट के देखेंगे तो भाई मेरी जवाबदारी नहीं है कि आपसे मिरर बनाना नहीं आया है तो आप फोन नहीं करें, वीडियो अच्छी तरीके से देखें। हमने यहाँ पे होल कर लिए थे, ठीक है, तो दो LED है, दो कलर की, एक वॉर्म एक वाइट, तो दोनों LED हम इसमें बाहर लगाएंगे LED, तो अंदर को वायर कर लिए। ये देखिए आप ये समझ गए होंगे किस हमने ये चारों साइड PVC किस लिए लगाई थी, ठीक है, तो इस तरीके से ही आप PVC लगाकर 1 इंच की बॉर्डर ये लगाएं, ठीक है, और उसके ऊपर ये LED लगा दें चिपकाने का। ये दो कलर है इसके LED के, व्हाइट और वॉर्म व्हाइट, दो कलर आएंगे जैसे येलो टाइप भी जाता है, ठीक है। और गाइस देखिए कट कहाँ से करना है, हमें जहाँ पर कट का निशान होता है वहाँ से LED को कट कर देना है, ठीक है। अब लगाएंगे दूसरी LED, ये देखिए दूसरी LED, उससे नीचे को दूसरी LED लगाएंगे। बस इसका ही वीडियो का, ये वीडियो शुरू से आखिर तक आप अच्छी तरीके से देखेंगे तो आपको बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, आप आसानी से मिरर बनाना सीख जाएंगे। और गाइज ये LED एडाप्टर और सेंसर, अगर ये चीज चाहिए तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, वीडियो के शुरू में और आखिर में कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाता है मेरा, ठीक है। ये ग्लासेस कंपनी का ओरिजिनल सेंसर है, ठीक है, थोड़ा महंगा आता है ये सेंसर, सबसे हाई रेंज में रहता है इसका सेंसर का, बहुत अच्छी क्वालिटी का सेंसर, अगर आपको लगभग बड़े बड़े गिलास बनाने हो तो यही सेंसर लगाएं। और छोटा 2x2x3 का 18 और 1.5x2 का ये इस तरीके के साइज बनाते हैं तो हमारे पास सेट मिलता है, एडाप्टर सेंसर LED वायर इसका सेट आता है, वो लगाएं तो उसमें कोई परेशानी नहीं होगा। अगर बड़ा गिलास हो और आपको अच्छा वर्क देना है तो वो लगा सकते हैं। गाइस देखिए आपको इसमें LED के दो वायर आते हैं रेड, ठीक है, उन्हें एक जगह कर लेना है, ठीक है, और सेंसर में एक वायर आता है रेड, ठीक है, एक रेड आता है LED का। आपको दोबारा बताऊंगा मैं, उधर से सेंसर के वायर लग गए इसमें एडाप्टर में, ठीक है। ये देखिए गाइस ये जो वायर आया है लाइट का एडाप्टर में, ये सेंसर में जा रहा है एडाप्टर में से, और ये देखिए ये दूसरा रेड जो है LED के दो रेड वायर है, ठीक है, डबल रेड वायर है उसमें आ जाएगा अकेला वायर, और जो दो वायर बचेंगे सेंसर के वो LED के जो दो वायर बचेंगे उसमें कनेक्शन कर देना, ठीक है। ये डबल टेप है एडाप्टर पे, डबल टेप जो आता है दोनों साइड इसका गम होता है, ठीक है, एक साइड में उस पर चिपक जाएगा और एक साइड में मिरर चिपक जाएगा। अब ये इसको इसके ऊपर इसमें भी डबल टाइप आता है, देखिए इसे भी चिपका देंगे, इसका फ्रेम है सेंसर का। और इस पे तीनों साइड निशान आते हैं, वो मार्किंग कर लेना आपको सेंसर वो करते टाइम, तो वो इसके निशान के हिसाब से आप कर सकते हैं। देखिए सेंसर निकालने के बाद आराम से इस तरीके से लगा सकते हैं, और ये देखिए इससे भी कनेक्शन ये अलग हो जाएगा, इसके अंदर ये आते हैं तो इससे भी कनेक्शन अलग हो जाएगा, ठीक है। अगर सेंसर चेंज करना है आपको, ये बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना, इसे हटा देना है, अगर आपका कभी भी सेंसर खराब होता है इस तरीके से आपको कर देना है। ये वायर को इस तरीके से फेविक्विक से चिपका देंगे, ठीक है,
हमारा ये बिल्कुल कनेक्शन तो इसमें हो चुका है, और ये टुकड़ी हमने चिपका ली है टुकड़ी है। और जो हमने उस पर मोम लगाया था गाइस, मोम लगा लेते हैं टुकड़ी पे, और इससे फ्रेम को उसके ऊपर रख के निशान लगा लेते हैं। उससे फिर वायर आप उसमें होल कर देंगे जहाँ पे निशान होगा, तो आप उसमें फिर उस स्क्रू लगाएंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अच्छे तरीके से उसके ऊपर ही जो टिक्के लगी हुई टुकड़ियाँ लगी हुई है उसमें, उस पर ही जाकर लगेगा, ठीक है। वो टुकड़ियों का ये चीज़ है, टुकड़िए मिरर पर चिपक जाती है फेविकिक से ही, ठीक है। फेविकिक से मिरर पर चिपक जाती है, वो बहुत मजबूत हो जाता है। ये देखिए जहाँ पे हमने इसका होल किया था निशान करके, वहां पे ये स्क्रू लगा देंगे, ब्लैक वाले स्क्रू होते हैं। और गाइज मैं ये वीडियो आपने आखिर तक ले, उम्मीद करता हूँ आखिर तक लग देखी होगी और आपको ये वीडियो समझ में भी आई होगी, ठीक है गाइज। अगर वीडियो समझ में नहीं आई हो तो आप वीडियो दूसरी भी देखें और ये देखते रहें, और वीडियो आती रहेंगी इंशाल्लाह। अगर इसमें मैं कुछ आपको बताना भूल गया हूँ तो दूसरी वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। तो जो भी वीडियो आए आप शुरू से आखिर तक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके से हमें मिरर बनाना है, ठीक है गाइस। ये फ्रेम वाला मिरर बना के दिया है, ये मार्केट में इस टाइम ज़्यादा, अब यही ज़्यादा चलेगा इस टाइम, ये चल रहा है, ठीक है गाइस। देखिए रोज गोल्ड का फ्रेम है, रोज गोल्ड चारों साइड रोज गोल्ड है। और गाइस मैं चीज बता देता हूँ आपको, अगर ये दोनों कोने अगर गोल हो और आपको पार्टी बोले कि इसमें हमें बेवलिंग चाहिए, तो कोने गोल वाले में बेवलिंग नहीं करना, ठीक है गाइस। कोने गोल जो हो उसमें बेवलिंग नहीं करना, तो चौरस गिलास में बेवलिंग कर सकते हैं आप, नहीं तो कहीं से कम दिखेगी कहीं से ज्यादा बेवलिंग, तो आप उसमें फंस सकते हैं। तो वो आपको मैं बता दूं, आपको कोने गोल में बेवलिंग, और मेरे हिसाब से तो इस वर्क में जो फ्रेम वाले में अगर गिलास लगाना है आपको 5-6 mm मिरर, तो उसमें बेवलिंग का नहीं, ना बोल देना बेवलिंग नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि इसका जो इफेक्ट होता है बढ़िया जो लगता है बिना बेवलिंग के, इसमें लगता है ये बॉर्डर चारों साइड दो सूत का बॉर्डर दिखता है रोज गोल्ड का, तो बहुत अच्छा मिरर लगता है, ठीक है। ये देखिए तीन कलर है वाइट, ये देखिए कम नेचुरल वाइट हो गया, डीमर भी होता है इसके अंदर, ठीक है। और गाइज मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, ठीक है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद।